जी हाँ साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक और नई आधार से रिलेटेड सर्विस सेवा के प्रॉब्लम के समाधान को लेकर के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ACL का सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं, तो ये ओपन तो थोड़ा प्रोसेस दिखा रहा है लेकिन ऑटोमेटिक क्लोज हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं कि हमारा ओपन होता है कि नहीं होता है। एक दो बार ट्राई कर लेते हैं, हमारा होता है क्या, हमको समस्या को दिखाएंगे कि जब हम सिस्टम को बंद करके ऑन करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक कोई स्टॉप हो जाता है, रोज प्रतिदिन हमको रिस्टार्ट करना पड़ता है। हो सकता है समस्या आप में भी हो सकती है, तो आप भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपकी समस्या का समाधान अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर दूसरा विकल्प हमको बताएंगे कैसे आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हम जैसे कि सर्च बार में सर्विस खोलते हैं, सर्विस को खोल लेते हैं। सर्विस को खोलने के बाद आप देख पा रहे हैं जो हमारा आधार OSSTV की सर्विस है वो हमारा रिस्टार्ट करने को बोल रही है, तो हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। जैसे रिस्टार्ट कर देंगे हमारा ये काम हो जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है कि इसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर इसे आप एक बार दो बार रिस्टार्ट कर लीजिए, इससे हो जाएगा। तो अगर इससे नहीं हो पाता है तो फिर दूसरी जगह से कहाँ से होगा, उसके लिए भी आपको हम बताएंगे आगे वीडियो में। वीडियो पर बने रहिए। उसके बाद हम मंत्रा का जो है, हमारा जो आयरिस है, फिंगर है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टाफ है कि स्टार्ट है। जिस तो देखिए हमारा जो डिवाइस है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, हम इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं, कर दे रहे हैं। जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको जो फर्स्ट आधार की 3 सर्विस है इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो हमारा तो ये हो गया, हम इसको ओपन करेंगे। देखिए ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है आधार इस जो सॉफ्टवेयर है खुलने में। ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल रहा है, चाहे आप UCL पर काम कर रहे हों या अन्य कोई भी सॉफ्टवेयर आधार का है, किसी भी पर काम करें, इस तरह से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दूसरा आपको जैसे ही खुल जाता है इसको दिखा कर फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, अगला जो प्रोसेस है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको खुलने में, थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा खुल रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो खुल जा भाई जल्दी, देखिए हमारा ये खुल गया, अब इसको हम लॉगिन कर सकते हैं। अब दूसरा प्रोसेस है इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको हम ले चलते हैं कम माई कंप्यूटर में। जैसे ही माई कंप्यूटर में जाते जाएंगे तो माई कंप्यूटर में जाने के बाद सी ड्राइव को खोलेंगे। सी ड्राइव खोलने के पश्चात उसमें का जो फोल्डर है UDI आधार का, उसके बाद आधार एनरोलमेंट क्लाइंट का फोल्डर खोलेंगे। इसको खोलने के बाद जो डाटा है, इसमें जो डाटा है किधर है डाटा, हाँ भाई डाटा हो गया, डाटा खोल लिया। इसके बाद ये जो LBS करके है, 2 2 4 5वें नंबर पर ऑपरेटर के ऊपर, इसको ओल्ड कर लेंगे। मतलब कि कोई भी, मतलब इसका नाम एडिट कर देंगे, उसमें कोई भी एक अक्षर लिख देंगे तो ये हमारा एडिट हो जाएगा। मतलब दूसरा फोल्डर जब हम रिस्टार्ट करेंगे अपने सर्विस को तो दूसरा फोल्डर बना लेगा, तो हमारा काम करने लगेगा। आप आसानी से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक कंडीशन उस कंडीशन में करेंगे, जब आपका एकदम वहाँ से रिस्टार्ट करने के बाद नहीं काम करा तब इस ऑप्शन का फॉलो करेंगे। जो LBS का फोल्डर है उसको रीनेम करके ओल्ड कर देंगे। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस में जाकर के सर्विस को रिस्टार्ट कर देंगे। रिस्टार्ट करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। जब UCL खोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे UCL हो या कोई भी आधार का सॉफ्टवेयर हो, आप आसानी से खोल लेंगे, फिर लॉगिन करके काम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस तरह की मज़ेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ एक और नई वीडियो में।